Good morning, children. How are you all? All are fine. Very good. What are you doing? Studying. What are you studying? English. Very good. Did you do yesterday's homework? Yes. What was your yesterday's homework? To write capital letter H and small letter H. Okay. दोनों दो दो पेज लिखा है. यस. कैसे लिखा है? अच्छे से लिखा है, लाइन में मिला के लिखा है ना. यस. एच कैपिटल लेटर कितना लाइन में आती है? तीन लाइन में. कौन सी तीन लाइन में? ऊपर वाली तीन लाइन में. और स्मॉल लेटर एच, वो भी तीन लाइन में आती है, वो भी ऊपर की तीन लाइन में आती है ना. यस. अभी आपको क्या सीखना है? स्पेलिंग सीखना है. एच के साथ कौन से शब्द आता है? कौन से शब्द पढ़ा है आपने? हॉर्स. हॉर्स स्पेलिंग मालूम है क्या? नहीं मालूम? यस. किसी को मालूम है तो बता, आप बताइए. एच ओ आर एस ई, हॉर्स. वेरी गुड. तो सब मेरे साथ बोलिएगा. एच ओ आर एस ई, हॉर्स. एक बार और बोलिए. एच ओ R S E, horse. अब मैं लिख के बताऊंगी, ठीक है? Yes. O R Yes. E. Horse. ये कौन सी अक्षर में लिखा है? कैपिटल लेटर में या स्मॉल लेटर में? कैपिटल लेटर में है ना. अब मैं स्मॉल लेटर में लिख के बताऊं. Yes. O. R S E, horse. H O R S E, horse. H capital letter, this is small letter H. O capital letter, small letter O. R capital, R small. S capital, S small. E capital, E small. Okay? अब देखो कैसे, कितनी लाइन में कैपिटल लेटर कितनी लाइन में आए आए हैं और स्मॉल लेटर कितने लाइन में आए हैं. देखना, स्मॉल लेटर केवल H तीन लाइन में, ऊपर की तीन लाइन में आया, बाकी सब बीच की दो लाइन में लिखते हैं, है ना. यस. वेरी गुड. अब और लिखेंगे. यस. ओ आर यस E, horse. H, O, R, S,
horse. Yet yes. Horse. Yet. Yes. Horse. Yet. Yes. Horse. Yet. Yes, O, A, yes, E, horse. Yes, O, A, yes, E, horse. Capital letter में पूरा horse लिखा है, the small letter में पूरा spelling लिखा है. तो दोनों दो दो पेज आपको लिखना है, ठीक है? और बोल बोल के लिखना है, हर बार हर एक स्पेलिंग बोल के लिखना है, ठीक है? देन एंजॉय द डे एंड स्टडी वेल. ओके, हैव ए नाइस डे. बाय.